हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर सुरंजन सरकार। आज मैं बात करूँगा कि डॉग को ज़ाइमोपेट कब और कैसे दें। पहले तो ये बात करूँगा कि डॉग को ज़ाइमोपेट कब और कैसे दें। अंत में मैं ये भी बताऊँगा कि डॉग को ज़ाइमोपेट कब नहीं दें। ये है ज़ाइमोपेट, आप देख सकते हैं, बहुत ही प्रचलित दवा है। देखिए, डॉग्स को ज़ाइमोपेट कैसे दें और कब दें और क्यों दें, तो इसके लिए जानने के लिए पहले ये देखना पड़ेगा कि ज़ाइमोपेट में है क्या। ज़ाइमोपेट में जैसा आप देख सकते हैं, अल्फा अमाइलेज है, पपाइन है, सिनेमोन बार्क ऑयल है, कार्डमम ऑयल है, दिल सीड ऑयल है, फेनल ऑयल है और कारावे ड्रॉप्स है। मतलब इसमें जो है लौंग का तेल है और सौंफ का भी तेल है और पपीते का रस है, ये सभी है। ये सभी हम लोग सभी जानते हैं, पपीते का रस, सौंफ, ये सब जो है खाना पचाने में मदद करता है। अर्थात अगर डॉग ज़्यादा खा ले या समझिए कि उसे अपच हो जाए, खाना उसने बंद कर दिया है और पेट खराब है उसका, तो उसे ज़रूर से ज़ाइमोपेट दें, ज़ाइमोपेट दिया जा सकता है। तो ये तो था कंपोजिशन कि ज़ाइमोपेट कब दें, अपच होने में दें, खाना नहीं खाए तब दें, और जब उसे खाने की अनिच्छा है, भूख ही नहीं लग रहा है, समझिए 3-4 दिन हो गया भूख नहीं लग रहा है, तो भी आप ज़ाइमोपेट दे सकते हैं। पेट में अगर गैस हो तो भी ज़ाइमोपेट दे सकते हैं। और अगर समझिए कुछ हद तक उल्टी या पैखाने को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि पपीते का रस इसमें है, उस केस में जैसे मतलब साधारण अपच या भूख न लगने की स्थिति में ज़ाइमोपेट दिया जा सकता है। अब आते हैं बात पे कि ज़ाइमोपेट कैसे दें। तो ज़ाइमोपेट को आपको ड्रॉपर से उसके मुंह के अंदर अगर देंगे तो सबसे ज़्यादा फायदा है। अगर वो ना कर पा रहे हैं तो किसी फेवरेट वस्तु में, चीज़ में, खाने के वस्तु में उसे मिला दें। इसका जो डोज का शेड्यूल है वो है, छोटे बच्चों के डॉग के लिए, छोटे डॉग के लिए, कम उम्र के डॉग के लिए 7-12 ड्रॉप, ड्रॉपर तो रहेगा ही, 7-12 ड्रॉप दिन में 2 बार दें। ये हो गया छोटे पपीज के लिए, कम उम्र के पपीज के लिए। और थोड़ा सा मध्यम वर्गीय डॉग, जैसे कि समझ जिसकी जिसका वजन 10 किलो से नीचे है, ये पपी भी हो सकता है, और ये जो होता है ना पोमरेनियन सफ़ेद वाला डॉग जो होता है, पग हुआ, ये इस कैटेगरी के डॉग के लिए आपका डोज रेट है 15-20 ड्रॉप दिन में 2 बार आप दे सकते हैं, लगातार 5 दिन तक। और अगर बड़ा डॉग है, लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड या सेंट बर्नार्ड, बड़ा एडल्ट डॉग है, तब क्या देंगे, कैसे देंगे, तब आपको देना है 20 से 30 ड्रॉप दिन में 2 बार पर डे करके 5 दिन आप दे सकते हैं। और अगर बिल्लियों को दे रहे हैं, अगर बिल्ली को दे रहे हैं, ज़ाइमोपेट बिल्ली को भी दिया जा सकता है, उन्हें भी अपच होती हैं और उन्हें भी उल्टियां होती हैं या उनके पेट भी खराब होते हैं, बिल्लियों को अगर दे रहे हैं तो उसे आप 8-10 बूंद उसके मुंह में दे सकते हैं ज़ाइमोपेट को। ज़ाइमोपेट बहुत ही सस्ते में उपलब्ध, बहुत अच्छा दवाई है और बहुत इजीली अवेलेबल है, कहीं भी मिल जाएगा।
अब आते हैं कि ज़ाइमोपेट कब नहीं दें। अब आप तो कहेंगे कि ज़ाइमोपेट तो इतना अच्छा दवाई है, पपीते का रस है और वो लौंग का तेल है, सौंफ का भी पार्ट्स है, तो इसे तो देना अच्छा रहेगा, इसे कब ना दें। तो ज़ाइमोपेट तब न दें जब उन्हें एक कंडीशन होता है जिसे कहते हैं जीडी, या यूँ समझिए कि उसे कहते हैं डॉग का पेट बहुत फूला हुआ है। पेट दो कारण से फूलता है, गैस से, एक दूसरा है कि अंदर से फूल रहा है वो, जैसे कि वो उसके पेट में पानी भर जा रहा है, बहुत ज़्यादा पानी भर गया। अब उसमें क्या होगा कि वो उस पर पेट के अंदर दबाव पड़ेगा, वो खाना पीना बंद कर देगा। तो ये नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, ये पानी जो जमा है उसमें, जिसे अर्थराइटिस कहते हैं, उसकी वजह से वो पेट में दबाव पड़ने के कारण वो खाना बंद कर दिया है। तब जो है ऐसी परिस्थिति में ज़ाइमोपेट देना खतरनाक है, क्योंकि ये जो करता क्या है कि पेरिस्टाल्सिस को बढ़ा देता है। तो वैसी परिस्थिति में जो है जीडीबी के केस में जो है, अगर उसका पेरिस्टाल्सिस बढ़ जाएगा तो उसे नुकसान पहुंचेगा। तो वैसी परिस्थिति में जब पेट में पानी भर गया है, ज़ाइमोपेट कतई ना दे। और एक और बात, बहुत से डॉग ओनर या डॉग ब्रीडर ये सलाह देते हैं, ये करते हैं कि पपीज़ को बेवजह ज़ाइमोपेट पिलाते हैं। कुत्ते के कम उम्र के ले आए, बोले कि हाँ जैसा कीजिए कि आप इसको जो है रोज़ 5 बूंद करके दिया कीजिए, खाने से पहले या खाने से बाद, इससे फ़ायदा हो। ये भी कभी ना करें, क्योंकि ये एक दवा है जो बीमारी में या तकलीफ में काम आता है। इससे देने से बीमारी ना होगी या अपच ना होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये प्रिवेंटिव नहीं है, ये क्यूरेटिव है। तो ये एक तरह का ड्रग अब्यूज टाइप का चीज हो जाएगा, बेवजह जो है, जब डॉग सब तरह से ठीक है तो उसे इस तरह का पचाने की दवा देना बेकार है, पैसे की फजूल खर्ची है या उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कभी भी बिना वजह ये सब, बहुत सारे लोग भी वो भी देते हैं ना, क्या कहते हैं, डिजिटोन एक आता है, ज़ाइमोपेट है, इस तरह से बहुत सारी दवाइयाँ पपीज़ को खिलाते हैं। बिल्कुल ना खिलाएं, ज़रूरत हो तो ये बहुत काम की दवा है, बेवजह देंगे तो ये हानि ही करेगा, फायदा नहीं करेगा। तो आज बस इतना ही, फिर अगले बार अगले वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।